चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। इस मामले की जांच राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्तिभाव से ये विषय उठा रही है, आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं आज उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को एक वायदा कर रहा हूं, राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। जय जगन्नाथ। साथियों, भाजपा उड़ीसा के कल्याण, उड़ीसा के विकास का लक्ष्य लेकर चल रही है और मैं गरीबी से निकला हूं। गरीबी विकास की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और इसलिए गरीब का बेटा मोदी, गरीब का सेवक मोदी, आपका सेवक मोदी आपके लिए ही तो खुद को खपा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। मोदी के प्रयासों से पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब तक मेरे देश में एक भी गरीब है, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। मोदी ने आपको पक्के घर की गारंटी दी है, मोदी ने आपको मुफ्त राशन की गारंटी दी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को हुआ है। साथियों, मोदी ने एक ऐसी योजना बनाई है कि आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। बिजली का बिल जीरो, इतना ही नहीं, आप बिजली बेच करके कमाई करेंगे। आपको लगेगा अरे तो गजब लाए हैं वे मोदी। देखिए, मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है और हमारा उड़ीसा तो सूर्य देवता, सदियों से उसकी पूजा करने वाला राज्य है, सूर्य मंदिर की उपासना करने वाला राज्य है। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में बिजली का उत्पादन करें,
उस बिजली का उपयोग करें और जो ज्यादा बिजली पैदा हो उसको भाजपा सरकार खरीद लेगी, राज्य सरकार बनेगी ना, हम उसको खरीद लेंगे तो आपको कमाई भी होगी। यानी भाजपा की इस योजना से आपको डबल फायदा होगा, आपकी बिजली जीरो बिल हो जाएगा, मुफ्त बिजली होगी और आप बिजली से कमाई भी कर पाएंगे। और इसके लिए भाजपा सरकार हर परिवार को, याद रखिए, हर परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75,000 रुपये की मदद दे रही है। ₹75,000 और बिजली मुफ्त और बिजली से कमाई, बताइए इससे बड़ी कोई योजना हो सकती है क्या? मोदी आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा देना चाहता है, लेकिन उड़ीसा की बीजेडी सरकार आयुष्मान हमारी जो योजना है वो यहां लागू नहीं होने देती है। इसका कितना बड़ा नुकसान है मैं बताता हूं, जरा उड़ीसा के लोग मेरे भावनाओं को समझे। अब मुझे, मेरे यहां गुजरात में हमारे बहुत से उड़ीसा के भाई बहन काम करते हैं, मुंबई में करते हैं, बेंगलुरु में करते हैं, हैदराबाद में करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं। ये आयुष्मान योजना ऐसी है कि आप अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो और अगर आप उड़ीसा के हैं, आयुष्मान योजना का हक मिला हुआ है, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आपको कुछ तकलीफ हो गई, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां भी 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको मिल जाएगा। आपके पास पैसे है कि नहीं, साथ में रिश्तेदार है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जेब में एक आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। इतनी बड़ी योजना, मुझे बताइए ऐसी योजना आप लोगों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बताओ तो पता चले ये योजना क्यों आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं 5 साल से यहां की सरकार को समझा करके थक गया कि योजना आप ले लो, ये उड़ीसा के लोगों का फायदा करेगी, पता नहीं लेने को तैयार नहीं है। जैसे ही भाजपा सरकार यहां बनाओगे, 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की योजना चालू हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जिसको आपकी बीमारी की परवाह न हो, ऐसी असंवेदनशील सरकार यहां रहनी चाहिए क्या? उड़ीसा में रहनी चाहिए क्या? साथियों, यहां इस क्षेत्र में पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं। दरिंगबाड़ी को तो उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, आपकी आमदनी बढ़ती है, लेकिन उड़ीसा सरकार के उदासी की वजह से यहां टूरिज्म भी चौपट है। भाजपा सरकार यहां पर्यटन से पैसा, ये काम के लिए, आपके लिए विकास करना चाहती है। भाजपा ने एक और घोषणा की है जिसका लाभ यहां के युवाओं को होगा, मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी। नौजवान देख लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मोदी आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। अरे मोदी से बढ़कर और गारंटी क्या होती है? बिना गारंटी आप मुद्रा योजना से, बैंक से
पहले 10 लाख रुपया मिलता था, अब मोदी ने इसको 20 लाख कर दिया है। आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, यानी ओडिशा के नौजवानों को यहां अपना काम करना करने के लिए टूरिज्म सेक्टर में स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी।